हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से द व्लॉग्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो 9 बजे हम घर से निकल गए थे और अभी पापा मुझे लेके जा रहे हैं सीलमपुर। मतलब मेरी जो बुआ हैं, फूफी हैं, आप लोगों को तो पता ही है इंछाप्पी क्या, मतलब उनके यहाँ लेके जा रहे हैं। फिर वहाँ से मुझे इंछाप्पी लेके जाएंगे आगे नोएडा एग्ज़ाम दिलाने। मेरा सेक्टर पड़ा था नोएडा सेक्टर 64। तो मेरा वैसे है बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो CUET PG, आप लोगों को पता होगा। और ये डुगू को देख के आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं सीलमपुर पहुंच गई। ये देखो डुगू को कैसे आके बैठा है। छोटू अच्छे से साफ करो। मेरा ये लोग बनाएगी पागल पागल हो गई क्या? मेरे को इन सब पे लेके जा रही पेपर दिलवाने। और फिर घर से गली के बाहर तक इन छप्पी फिर हट गई, फिर मैंने चलाई, फिर सबसे पहले आए पेट्रोल डलवाने, स्कूटी में डलवाया पेट्रोल। इन छप्पी मुझे जा रही है एग्ज़ाम दिलवाने और मैं पहले इन छप्पी स्कूटी चला रही थी, फिर मेरे को चलवा रही। क्यों मेरे को चलवा रही बताओ? इतनी मोटी है मुझे बिठा कर चला ही नहीं जा रही। इसलिए ज़्यादा ब्लॉग रस्ते का नहीं होगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं आगे एग्ज़ाम सेंटर में। मेरा सेंटर और भीड़ देखो आप सब। ये रहा एंटी एग्जाम सेंटर। बेस्ट ऑफ लक बोल दो मेरे को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ जाना इन छप्पे वापसी में टाइम से, ठीक है लेने। फिर यहाँ पहुँच कर मुझे ध्यान आया कि मुझे बेल्ट भी उतारनी है, और तो मैंने फटाफट बेल्ट उतारी और कड़ा भी उतारा क्योंकि वहाँ पे एक बार गेट तक आप पहुँच जाओ तो वहाँ पे वो लोग उतरवा के रख लेते हैं। तो वापसी में वो मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं होती। मैंने कहा इससे अच्छा मैं फिर इन छप्पी के पास रखवा दूँ। फिर यहाँ मैं लाइन का एंड ढूंढते हुए, इतनी लंबी लाइन थी कि जिग जैग में लाइन चल रही थी और कॉलेज के पीछे तक भी लाइन चली गई और मुझे लाइन का एंड नहीं मिल रहा। मैं कहाँ लगूँ लाइन में? और सच में वहाँ इतनी भीड़ थी और एक तो इतनी भीड़, इतने बच्चे और ऊपर से उतनी ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। सात इन छप्पे भी लाइन में, अंदर तक चल लो इन छप्पे मेरे साथ, हेल्प कर देना। बाय। तो मैं वहाँ एग्ज़ाम दे रहा था जब तक इन छप्पी आ गई थी 0 डिग्री। वहाँ पे इन छप्पी ने बैठ के खाया पिया और थोड़ी सी मेरे लिए क्लिप भी शूट कर दी कि मैं ब्लॉग में डाल दूँ। नहीं चलो, जहाँ आपको पता हो अच्छा मिलेगा वहीं चलो। तो यहाँ मॉल से बाहर निकल ही रहे थे तो यहाँ स्टॉल लगे हुए थे ज्वेलरी वगैरह के, तो हमने सोचा यहाँ पर कुछ देखते हैं। यहाँ ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे और मॉल में इसलिए कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का दिल नहीं था। तो इन छप्पी ने कहा कड़कड़ुआ में, उन्हें पता है कि कहाँ अच्छा खाने को मिलता है, तो हम फिर वहाँ के लिए निकल गए। तो अभी हम थे नोएडा में ही सेक्टर 64 के मॉल में। अब हम यहाँ नोएडा सेक्टर 64 से जा रहे हैं कड़कड़ुआ। बैठो, लेके जाना है मुझे अभी एक इन छप्पी के फ्रेंड। चलो चलते हैं। और एग्ज़ाम मेरा हो गया, अच्छा हुआ एग्ज़ाम, अच्छा हुआ। पहले तो साइट जो थी वो क्रैश हो गई थी, सर्वर डाउन हो गया था, लेकिन फिर हो गया, टाइम एक्स्ट्रा मिल गया था। चलो चलते हैं, रास्ते में देख बोलूँगा इन छप्पी से ब्लॉग शूट करो, देखते हैं करते हैं। डाकू ये इन छप्पी ने मेरे लिए शूट करी व्लॉग के लिए क्लिप रास्ते में। और मैं इसलिए शूट नहीं करता स्कूटी चलाते हुए क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं फ़ोन गिर ना जाए। और इन छप्पी ने फेस से अपना स्टॉल हटा के फिर शूट करा कि ये वाली क्लिप डाली, ये वाली अच्छी बनी है, लेकिन मैंने तब भी दोनों डाल दी क्योंकि मुझे व्लॉग बड़ा करना होता, क्योंकि व्लॉग बहुत छोटा बनता है मेरे से, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं करता इस वजह से शायद। फिर हम पहुँच गए कड़कड़ुआ में चाट वॉक। तो चलो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कैसा है और इसका रिव्यू भी मैं आपको करूंगी कि कैसा है। आप लोग भी विज़िट करना जो भी नियर बाय यहाँ रहते हैं। और ये है नियर लीला होटल और G2 कैफ़े, दोनों के पास में ही है बिल्कुल, G2 कैफ़े के जस्ट बराबर में। और ये अंदर से इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। तो चलो चलते हैं, बैठते हैं, देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। अभी दिन का टाइम था इसलिए बिल्कुल खाली था, दोपहर के शायद 4 या 3 बज रहे थे। फिर ये मैंने स्नैप बनाई थी, मैंने कहा वो भी व्लॉग में डाल दो क्योंकि मुझे करना है व्लॉग थोड़ा बड़ा।
इनशाफी तैयार होकर बैठ गई है ब्लॉग में। अच्छा आप अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस तो कराओ मेरे ब्लॉग में। नहीं बोलो इन शॉपी की फ्रेंड है। हेलो तो आते सबसे पहले कोक लस्सी ये सब ऑर्डर करा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर यही था कि पहले कुछ पीते हैं ठंडा, उसके बाद देखते हैं कि क्या खाना है, क्या ऑर्डर करना है खाने पीने में। तो सबसे पहले मैंने पी लस्सी, और लस्सी भी बहुत अमेजिंग थी यहाँ की, कि ऐसा नहीं है कि कैफ़े है तो लस्सी अच्छी नहीं होगी या ऐसा कुछ नहीं, लस्सी भी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद ऑर्डर किए थे हमने मंचूरियन और चिली गार्लिक नूडल्स, तो वो भी खा के मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि कैसा था यहाँ का। यहाँ पे मुझे सारे क्लिप्स में करना पड़ा साउंड ऑफ क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू म्यूज़िक चल रहा था और कॉपीराइट क्लेम आ जाता। और ये देखो आप लोग, ऐसा तीन बार ही हुआ, मैंने कहा चौथी बार तो मैंने कहा इन छप्पी शूट करने दो। और यहाँ टेस्ट वाइज सब बहुत अच्छा शूट चल रहा है। ओम फो इन छप्पी फोटो खराब करो। यहाँ चाट पॉप ये है, ये देखो ये लीला होटल है कड़कड़ुआ में, इसी के पास में है ये चाट पॉप, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। चलो अब घर चले, बोलो ना। हाँ घर चले। और मैं अब ये देखो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उन्हें ऑटो में लिटाया हुआ है, वो बेहोश है, उनके सर से नाक से मुंह से कान से कंटिन्यू खून आ रहा है, इसलिए मैंने क्लिप स्लो कर दी, वो आपको येलो सूट में दिख रहे होंगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था, कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। हम लोग जब निकल रहे थे तो इतना ही मेरे को दिखा तो मैंने शूट कर लिया, और इनके साथ के जो भी थे वो वहाँ रोड पर भी बैठे हुए थे, उनसे उठा ही नहीं जा रहा था, तो बस लोग हेल्प कर रहे थे तो बहुत काफ़ी लोग थे, तो बस हम भी घर चले गए फिर। तो चलो चलते हैं घर, बस यहीं से मैंने व्लॉग शूट, बस मतलब यहीं तक व्लॉग शूट करा मैंने, तो बस थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था यहाँ के बाद, तो चलते हैं अब घर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अच्छा सा व्यू आ रहा था, मैंने कहा ये भी शूट कर लूँ, तो आप लोग देख लेना। ये है सिग्नेचर ब्रिज, आप लोगों को पता होगा, जिसे नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, ये है दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज। और ये लगता है यहाँ से निकलो ना तो थोड़ा सा वैसा फील आता है जैसे बॉम्बे में सीलिंग है, वैसा वाला फील आता है इस ब्रिज पर जब निकलो तो। और ये देखो सामने सनसेट भी नहीं हो रहा, सनराइज़ भी नहीं हो रहा, सामने स्टिल है, बाकी बज रहे थे शाम के 6 और लग नहीं रहा 6 बज रहे हैं, बिल्कुल दिन हो रहा है। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड।